हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड का बहुत ही यम्मी नाश्ता। बहुत ही क्रिस्पी है ये, आवाज सुनी आपने। तो यहाँ पर मैं आपको दो नाश्ते बनाकर दिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, जब भी हम आलूओं की इस तरह से स्टफिंग बनाते हैं तो आलू हमें बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने देना है। अगर हम ठंडे आलू मैश करेंगे तो वो गीले हो जाते हैं, तो हमें गरम गरम ही आलूओं को होल्ड लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर डालेंगे हम एक बारीक कटा हुआ प्याज, 5-6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच, नॉर्मल नमक है ये आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, गरम मसाला 1/4 चम्मच, 1 चम्मच किसा हुआ अदरक, भुना कुटा जीरा 1/4 चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड लिए हैं, आप वाइट या ब्राउन कैसी भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इनकी किनारियों को हम काट कर निकाल देंगे, आप कैंची या चाकू की मदद से अच्छी तरह से इन्हें निकाल दें। तो सारी ब्रेड की किनारियां हम इसी तरह से निकाल देंगे। आप किनारियों को भी रख सकते हैं, पर किनारी थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हमें जो हम नाश्ता बनाएंगे उन्हें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो किनारियों को हमें फेंकना नहीं है, उसका भी हम आपको नाश्ता बनाकर दिखाएंगे, तो ये भी काम में आएंगी, तो साइड में रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी किनारियां निकाल ली हैं। अब हमें आलू की जो स्टफिंग है इस तरह से उठाना है और इस तरह से गोल गोल इन्हें राउंड बना लेना है। इसी तरह से सारे बना लेते हैं हम। तो इस तरह से लड्डू की तरह बना लिया है। तो ये देखिए सारे बन गए हैं। अब हमें थोड़ा सा पानी लेना है और एक ब्रेड का पीस उठाएंगे और एक साइड से सिर्फ पानी में डिप करेंगे और हथेली पर रख कर इस तरह से दबा देंगे। पानी हमें बिल्कुल निचोड़ देना है। अब एक हम लड्डू उठाएंगे और इसमें रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा चौकोर शेप देंगे, ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। इस तरह से हथेली पर इस तरह से चारों तरफ से इसे दबा देंगे। अब बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये ब्रेड उठाया और सिर्फ एक साइड से ही हम पानी में डिप करेंगे, और जिस तरफ से पानी से डिप किया है जो सूखा हिस्सा है ऊपर वाला, वो हमें हथेली की साइड पर रखना है। तो जिससे ऊपर से पानी निचोड़ेंगे वो आराम से नीचे ब्रेड में पहुंच जाएगा, तो ब्रेड ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम रखेंगे स्टफिंग को और चारों कोनों को पकड़कर इस तरह से हम पैक कर देंगे इसे। तो आराम से इसका चौकोर शेप बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया, और इस तरह से हम इसे चारों तरफ से इसे इस तरह से शेप दे देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप सुबह के नाश्ते में या हल्की फुल्की भूख में इन्हें बहुत ही जल्दी आराम से इन्हें बना सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया, सारे हम इसी तरह से बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सारे हमने इसी तरह से बना लिए हैं। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, तो इसमें हम रख देंगे इसे। और ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं सेकना है, नहीं तो ये करारे नहीं बनेंगे। तो अगर हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है तो मीडियम गरम ऑयल में ही इन्हें फ्राई करना है। अब ये एक साइड से सिक चुके हैं, तो इन्हें पलट देना है, तो बहुत ही आराम से इन्हें पलटना है।
अब दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से सिकने देते हैं। तो अब दोबारा से इन्हें पलट देंगे। इसी तरह से उलटते पलटते इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेना है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए अब ये सिक चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इनका, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेड की किनारियां निकली थी, उनमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बस 2 चम्मच पानी से हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गई हैं, और जो आलू की स्टफिंग थी उनमें से मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बचा ली है, तो इससे भी कम में आप ले सकते हैं स्टफिंग, एक आलू की बस उससे ही हो जाएगा। तो इसमें हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इनके हम गोल टिक्की शेप में बना लेंगे, आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम इनका शेप दे देंगे, तो ये देखिए इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। तो ये देखिए सारी बना ली है मैंने, उसी ऑयल में हम इन्हें भी सेक लेते हैं करारा होने तक। तो इस तरह से रख दिया हमने, और उलट पलट कर इन्हें भी हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए दोनों हमारे नाश्ते तैयार हो गए हैं। ये टिक्कियाँ भी बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं, इन्हें मैंने करारा होने तक अच्छी तरह से सेक लिया था। तो आप इन्हें चाहे ब्रेड रोल कहिए या ब्रेड पेटीज कहिए, जो चाहे कह सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।